हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया आप सभी लोग होंगे। तो जैसा कि हम लोग आज से जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं वो हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। बीपीएससी में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं प्रारंभ से ही वो हो जाता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है। और अभी हम लोग बहुत सारे प्रश्न को देखने वाले हैं और एकदम अच्छा डिस्कशन भी देखेंगे जहाँ से प्रश्न यानी कि बनने की संभावना होगी। क्योंकि बीपीएससी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो विगत वर्षों में जितने भी सवाल हैं जो पूछे गए हैं उसका एक बार मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, उसका एक बार अध्ययन करना ज़रूरी है ताकि आपका तैयारी का जो स्टाइल है वो पता चले। और दूसरी बात ये है कि आपको क्या पढ़ना है कम समय में, है ना, कहाँ कहाँ से किस टाइप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन हो जाता है यहाँ से। बीपीएससी टीचर में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इंडिया नेशनल मूवमेंट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी है ना। तो इस पर एकदम टोटल कहें तो पूर्ण रूप से उस पर फोकस करने की बात किया गया है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग देखेंगे, पार्ट वन हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे, बहुत सारे डिस्कशन भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे आगे। चलिए देखते हैं, यह पहला प्रश्न हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। आधुनिक भारत का इतिहास है और इसमें पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न हो जाता है पुर्तगाली उपनिवेश का, है ना, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, है ना। यह बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। मॉडर्न इंडिया को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सटीक किताबें हैं। सटीक किताबों की अगर हम लोग चर्चा करें तो देखेंगे एनसीईआरटी लोग पढ़ते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, है ना। बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं और एक सबसे सटीक जो गाइड है हम लोग पढ़ा करते थे वो हो जाता है किरण गाइड। आपके इतिहास से संदर्भ में जो भी बीपीएससी में पूछे जाने वाले जो सवाल होंगे वहाँ से बाहर नहीं आएंगे, है ना, इसकी गारंटी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हो जाता है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम, है ना, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, है ना। वायसराय भारत में कौन हुआ, इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम है। अगर हम लोग इनके शासन काल की अगर चर्चा कर दें तो यह 1505 से लेकर के, है ना, 1509 तक इन्होंने यह भारत में ये रहे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये वायसराय के रूप में 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक ये भारत में रहे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, है ना, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है। प्रथम बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है इनको, प्रथम पुर्तगाली, है ना, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है, गवर्नर कहा जाता है इन्हीं को। यानी कि पुर्तगाली की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में तो इन्होंने ही अक्सर पूछा जाता है, इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इसी को लागू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे, पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे, सागर का स्वामी कहते थे पुर्तगाली स्वयं को। यानी कि पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक है इस अल्मीडा को ही कहा जाता है, पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक है, है ना, पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक है
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ही कहा जाता है ना। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, ये हो जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लागू किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भी होते हैं। और ये प्रश्न कहा जा रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, है ना, तो ये अल्मीडा हो जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाता है। एक और नाम आपके पास आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के अगर बारे में हम लोग देखें, है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो यहाँ पे देखिएगा 1509 से लेकर के 1500, है ना, 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क का शासन रहता है, 1509 से लेकर के 1505। और ये अल्मीडा को आपने देखा, यह 1505 से लेकर के 9 तक इसका शासन रहता है यहाँ पे। तो हम लोग अभी देख रहे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, है ना, अगर हम लोग देखें तो 1509 से 1515 तक ये शासन रहता है। और यह व्यक्ति जो है कोचीन को अपना नया राजधानी बनाता है, है ना, यह कोचीन को अपना नया राजधानी बनाता है। और 1510 में ही ये लोग गोवा पर अधिकार कर लेते हैं, है ना, अल्बुकर्क के समय में ही 1510 में, है ना, गोवा पर अधिकार हो जाता है, गोवा पर अधिकार हो जाता है। और गोवा जो है वह बीजापुर के शासक के अंतर्गत रहता है, बीजापुर के शासक, है ना, बीजापुर के शासक के अंतर्गत रहता है। और बीजापुर के शासक उस समय है यूसुफ आदिल शाह, है ना, यूसुफ आदिल शाह से युद्ध होने के बाद, यूसुफ आदिल शाह से युद्ध होने के बाद ये हार जाते हैं, है ना, और उसके बाद जो ब्रिटिश हुकूमत होती है यहाँ पे, है ना, पुर्तगालियों के समय में, ये लोग इसको जीत लेते हैं और गोवा पर ये लोग अधिकार कर लेते हैं, अल्बुकर्क के समय में हुआ। एक और भी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ये पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा जो है, यह पहला, है ना, पहला पुर्तगाली यात्री होता है, पहला पुर्तगाली यात्री है, है ना, पूछा जाता है अक्सर पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, है ना। दूसरा हो सकता है आपसे पूछा जा सके, तो दूसरा जो पुर्तगाली यात्री है, है ना, दूसरा पुर्तगाली यात्री आपका अल्ब्रेज कैब्राल नाम हो जाता है, है ना, अल्ब्रेज कैब्राल नाम है इसका, है ना, ये दूसरा पुर्तगाली यात्री है, ठीक है। एक चीज़ और भी देख लीजिए, कहा जाता है कि भारत में यूरोपियों का आगमन जब हुआ तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे, सबसे पहला पुर्तगाली ही आए थे, और सबसे पहला पुर्तगाली तो आया और सबसे बाद में पुर्तगाली भारत से जाता है। कभी कभी क्रम में पूछा जाता है कि कौन कब आया, है ना, तो एक ट्रिक है, आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कूड अ डेफरा, है ना, इससे आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा पुर्तगाली, है ना, सबसे पहले पुर्तगाली आता है, उसके बाद डच आता है, और डच के बाद है यहाँ पे अंग्रेज आ जाता है, है ना, पुर्तगाली डच अंग्रेज, उसके बाद यहाँ पे डेनिश आ जाएगा, और डेनिश के बाद जो है वो फ्रांसीसी हो जाता है, है ना, वो फ्रांसीसी हो जाता है। इस तरीके से याद रखेंगे तो जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा वो बनेगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, यह 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, 2019 में एग्ज़ाम जब हुआ था, है ना, तो यह सवाल पूछा था। देखिए सेम टू सेम ही सवाल है, बहुत बड़ा अंतर इसमें नहीं है, ठीक है। कहता है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, है ना, हुगली का उपयोग कौन करता था। आपको ये बात पता होगा कि जब समुद्री रास्ते होते हुए जब पुर्तगाली भारत पहुंचते हैं, है ना,
तो उनका सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है समुद्रों पर अधिकार बना के रखना, यानी कि जिसका समुद्र पर नियंत्रण होगा वही राजपाट करेगा। इस चीज़ की समझ पुर्तगालियों को है ना, इस चीज़ की समझ जो है पुर्तगालियों को पहले ही हो जाता है। इसलिए देखते होंगे कि हुगली यानी कि बंगाल की खाड़ी में जब इन लोगों का नियंत्रण हो जाता है, जब इनका प्रभुत्व हो जाता है, तो भारत के नाव से जो माल जाया करता था उस पर भी ये लोग टैक्स लगा देते थे, है ना, उस पर भी टैक्स लगाते थे। और यही वजह था कि इन पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाने लगा, है ना, पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाने लगा। कभी कभी तो ऐसे भी होता था कि पुर्तगाली अन्य जहाज़ों को यानी कि अन्य ब्रिटिश या अन्य यूरोपीय जहाज़ों को ये लूट लिया करते थे, और कभी कभी तो भारत के जहाज़ों को भी ये लोग ज़बरदस्ती लूट लेते थे, है ना। और यही प्रश्न कहता है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो ये आंसर आपको सी हो जाएगा, पुर्तगाली के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था, है ना। 65वीं बीपीसी में यह सवाल पूछा गया है। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से, है ना, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, है ना, खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था, ठीक है, अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, इसका आंसर ए हो जाता है, है ना, इसका आंसर क्या है, हॉकिंस हो जाएंगे, इसका आंसर ए है, हॉकिंस। देखिए हॉकिंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर के भारत में आए थे, है ना, ये व्यक्ति जो है जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर के ये भारत में आए थे, और ये सबसे पहले सूरत पहुंचते हैं और सूरत से आगरा जाते हैं। इनकी मुलाकात जहांगीर से 1908 में होती है, है ना, 1908 में जहांगीर से मुग़ल बादशाह होते हैं और मुग़ल बादशाह से इनकी मुलाकात जो है 1908 में होती है, है ना, 1608 में हो जाएगा, है ना, सॉरी 1608 में होती है। ये हॉकिंस जो है ना, हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आता है, है ना, हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आता है। एक और भी जहाज़ है जिसका नाम है रेड ड्रैगन, हो सकता है आपसे पूछा जाए, है ना, रेड ड्रैगन यानी कि जो हॉकिंस है, हेक्टर और रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से वो भारत पहुंचता है, है ना, वो भारत क्या करता है, भारत पहुंचता है। और सबसे अच्छी बात क्या है हॉकिंस के बारे में, कि हॉकिंस को फारसी का बहुत ज़्यादा जानकारी था, है ना, फारसी का बहुत ज़्यादा जानकारी था उस समय, फारसी का, और फारसी भाषा थी, है ना, वहाँ पे राजभाषा थी मुग़लों की, और वहाँ पे जो मुग़ल बादशाह थे, है ना, उनको भी बहुत अच्छा फारसी आता था। और यही वजह था कि जहांगीर खुश होकर के इस हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान कर दिया, है ना, 400 का मनसब प्रदान कर दिया, और इस हॉकिंस को ही जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि भी दी, है ना, इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी, ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि दी, इसको इंग्लिश खान की उपाधि, और एक और भी उपाधि है जिसको हम लोग बोलते हैं फिरंगी खां, है ना, फिरंगी खां की उपाधि हॉकिंस को दिया जाता है, है ना, हॉकिंस को दिया जाता है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि सबसे पहला जो अंग्रेजी, है ना, यात्री के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये हॉकिंस ही होते हैं जो 1608 ईस्वी में भारत आता है, और उस समय मुग़ल बादशाह जो है वो जहांगीर है, और हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत बन के आते हैं क्योंकि उनको चाहिए व्यापार करने के लिए, है ना, तो उनकी मुलाकात आगरा में होती है, हालांकि सबसे पहले ये सूरत पहुंचते हैं, है ना, सबसे पहले सूरत पहुंचते हैं, और यही वजह होता है कि सूरत में ये फैक्ट्री बनाने की मांग रख देते हैं, और अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री जो है
सूरत में ही स्थापित होती है, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और भी है, इसके बाद सर टॉमस रो आते हैं 1615 में, है ना। 1615 में सर टॉमस रो जो हैं, है ना, ये भारत आते हैं। और ये भी जहांगीर के समय ही, है ना, ये भी जहांगीर के समय ही भारत आते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे चार नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल है कि भारत में 1612 ईस्वी में, है ना, भारत में 1612 ईस्वी में हम लोग देखेंगे, 1612 ईस्वी में देखिए, कहता है कि भारत में 1612 ईस्वी में, है ना, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, है ना, पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पे हो जाएगा, हम लोगों ने इसका चर्चा भी किया, सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। हो सकता है आपसे दूसरा भी पूछा जा सके, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा फैक्ट्री है, है ना, जो दूसरा फैक्ट्री है वह दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, है ना, जिसको हम लोग मछलीपट्टनम भी कहते हैं, पट्टनम में स्थापित की थी। और यह मछलीपट्टनम जो है दक्षिण भारत का पहला कोठी होने का प्रमाण मिलता है, दक्षिण भारत का, है ना, दक्षिण भारत का पहला, दक्षिण भारत का यह पहला कोठी हो जाता है, है ना। और पूरे भारत के संदर्भ में हम लोग देखें तो यह दूसरा जो कारखाना स्थापित होता है वह मछलीपट्टनम में होता है, और पहला जो स्थापित होता है वो सूरत में हो जाता है, है ना, वो सूरत में हो जाता है। देखिए पूर्वोत्तर अगर हम लोग, अगर भारत की बात करें, अगर हम लोग पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में पहली बार 1633 ईस्वी में, है ना, पूर्वी भारत में पहली बार 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में कोठी स्थापित किया गया था, है ना। यहाँ देखेंगे उड़ीसा के बालासोर में, है ना, उड़ीसा के बालासोर, है ना, और हरिहरपुर में, हरिहरपुर में, हरिहरपुर में प्रथम कोठी स्थापित किया गया था, है ना, प्रथम कोठी स्थापित किया गया था। और यह कोठी पूर्वी भारत का पहला कोठी हो जाता है, है ना, पूर्वी भारत का पहला कोठी उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित किया जाता है, यहीं पे प्रथम फैक्ट्री। उसके बाद एक चीज़ और भी हम लोग देख लें, 1651 ईस्वी में बंगाल की बात है, है ना, 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में, है ना, बंगाल के, देख लेते, बंगाल के हुगली हो जाता है, और एक हो जाता है जिसका नाम है कासिम बाज़ार, है ना, एक का नाम हो जाता है कासिम बाज़ार, है ना, कासिम बाज़ार में प्रथम फैक्ट्री खोला गया, प्रथम फैक्ट्री खोला गया, इसी समय प्रथम फैक्ट्री खोला गया। और धीरे धीरे देखते हैं बहुत सारे फैक्ट्री होने के बाद अंग्रेज़ों ने इसको प्रेसिडेंसी में डिवाइड कर दिया, और तीन प्रेसिडेंसी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ये, है ना, देखिए वही सवाल है। अगर हम लोग यूरोपियों का आगमन यानी कि सिलेबस अगर हम लोग सही तरीके से पढ़ें और एकदम अपने स्ट्रेटजी में अगर पढ़ाई किया जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी कंपटीशन को फाइट करना, बहुत इजी होता है, हम बार बार यही कहेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग पूरे जीवन जिए हैं इसी में और हम लोगों ने फाइट किया है, और यकीन है कि बहुत इजी होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए मुश्किल हो सकता है, जो आप जी रहे हैं अगर आप बहुत दिनों से एक दो साल से तैयारी कर रहे हैं और सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि 10 घंटा अगर रोज़ मेहनत कर दिया जाए, है ना, 10 से 12 घंटा 8 घंटा अगर डेली मेहनत कर दिया जाए तो यूपीएससी और बीपीएससी में, है ना, 1 to 50 1 to 10 के बीच में रैंक आ सकता है। लेकिन डेली 8 से 10 घंटा अगर पढ़ा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सफल लोगों में और असफल लोगों में एक चीज़ का अंतर होता है, जो सफल लोग हैं वो डेली पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, असफल लोगों में यही चीज़ है, आज पढ़े दो दिन के बाद पढ़े, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब 2 महीना पहले से सीरियस हो जाते हैं, तो उस समय में तैयारी ठीक नहीं हो पाता। आप तो पहली बात की बहुत ज़्यादा
प्रेशर में रहेंगे, और जो सिलेबस जो कहता है उसका जो डिमांड है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारा जो टेंशन और प्रेशर में जो पढ़ाई होता है दिमाग में ज़्यादा घुसता नहीं है, है ना। इसलिए एक साल तक 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए किसी भी परिस्थिति में, है ना। कोई भी पार्टी साड़ी जो भी हो, होने के बाद भी अगर चाहें तो 8 से 10 घंटा कुछ भी करिए, 8 से 10 घंटा पढ़ने के बाद जो करना है करिए, है ना। चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था, है ना। किसके समय में कहता है कि किस मुगल सम्राट के समय में, कौन सा मुगल बादशाह था जिस समय में, है ना, सर टॉमस रो भारत आया था, है ना। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, जहांगीर के समय में ये भारत आता है। और ये जहांगीर के समय में जब भारत आता है उस समय सर टॉमस रो की अगर बात हम लोग करें तो 1615 ईस्वी में, है ना, 1615 ईस्वी में यह भारत आता है। और यह जो है ये भी जेम्स प्रथम का, है ना, ये भी जेम्स प्रथम का क्या है, राजदूत बन के भारत आता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सर टॉमस जो रो है, प्रथम तो हॉकिंस हो जाते हैं, दूसरा यात्री के रूप में जाना जाता है, है ना। दूसरा यात्री के रूप में सर टॉमस रो को ही याद किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जब ये जहांगीर के पास पहुँचते हैं, है ना, जब ये जहांगीर के पास पहुँचते हैं तो ये कहते हैं कि हमें संपूर्ण भारत में अपना फैक्ट्री बनाने की अनुमति दिया जाए, है ना, संपूर्ण भारत में, ठीक है, संपूर्ण भारत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति ये प्राप्त करते हैं। और यह बादशाह को 300 रुपया वार्षिक कर भी देना स्वीकार करते हैं, 300 रुपये, है ना, वार्षिक कर देना भी ये स्वीकार करते हैं। और उसके बाद अगर हम वो देखें तो सर टॉमस रो यानी कि यहाँ पे 1615 में आता तो है लेकिन 1619 में ये फिर से वापस जो है ब्रिटेन लौट जाता है, है ना, वापस ब्रिटेन लौट जाता है। और देखिए 67वीं BPSC में यह सवाल पूछा गया है 2022 में, है ना, यह एग्ज़ाम हुआ था उसी समय यह सवाल पूछा गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, छठा नंबर हम लोग देखते हैं, 65वीं BPSC में पूछा गया है, है ना, छठा नंबर देखेंगे 65वीं BPSC में यह जो सवाल है पूछा गया है, है ना। कहता है यहाँ पे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, है ना, पटना में स्थापित की है। हालांकि इसका अगर देखेंगे तो किताबों में कुछ ऐसा प्रमाण नहीं मिल पाता, है ना, ऐसा प्रमाण नहीं मिल पाता, लेकिन BPSC ने इसका आंसर 1632 माना है, है ना, 1632 माना है इसका आंसर। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिएगा इसका, है ना, पटना कॉलेज के, देखते हैं हम लोग पटना कॉलेज के जो उत्तरी इमारत, अभी भी जाके आप देखिएगा वहाँ पे मिलेगा, पटना कॉलेज के जो उत्तरी इमारत है, है ना, उत्तरी जो इमारत है वहीं पर 1632 ईस्वी में, है ना, 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। और पटना में यहीं पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है, आप वहाँ पे जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे उन्होंने अपना फैक्ट्री इसलिए स्थापित किया कि उनका मानना था कि यहाँ से, क्योंकि पूरे भारत में सूती वस्त्र के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था, यहाँ से लोग व्यापार के तौर पे देखे तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, है ना, यहाँ से चीनी का भी और शोरा का, है ना, चीनी और शोरा का व्यापार करते थे, और बिहार से अफीम का भी ये लोग व्यापार करते थे, है ना, बिहार से ये लोग अफीम का भी व्यापार करते थे, सूती वस्त्र चीनी शोरा और अफीम का ये लोग व्यापार करते थे, है ना, ये हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्लस देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने, है ना, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, है ना, ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था 7 नंबर। तो देखिएगा इसका आंसर औरंगजेब हो जाता है, है ना, औरंगजेब हो जाता है।
देखिए अंग्रेज़ों के समय की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये लोग धीरे धीरे बड़ी शक्तिशाली हो जाते हैं, और शक्तिशाली होने के बाद जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनको हड़प लेते हैं, जीत लेते हैं, तो इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, इनको लगता है कि अब हम जो चाहें सो कर सकते हैं। लेकिन इनको ये बात पता नहीं था कि उस समय भी मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है ना। तब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने 1686 ईस्वी में, है ना, 1686 ईस्वी में जिसके गवर्नर थे, मुग़लों के जो गवर्नर थे, है ना, मुग़ल के जो गवर्नर थे जिनका नाम था, है ना, शाइस्ता खान, और ये औरंगज़ेब के क्या थे, मामा थे, जो ये भी अटैक करते हैं शिवाजी को। तो मुग़ल जो गवर्नर है शाइस्ता खान ने, है ना, 1686 ईस्वी में यहाँ पे देखिएगा अंग्रेज़ों के ऊपर, है ना, अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, और अंग्रेज़ जो है जॉब चौर्नो की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो उसी समय एक जॉब चारनोक होते हैं, जॉब चारनोक को, है ना, डर के मारे इनको हुगली छोड़कर भागना पड़ता है, और ये कहानी है 1686 ईस्वी की, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की, है ना, 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुग़ल कभी शक्तिशाली नहीं बन पाता, उसके बाद यानी कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा चलने लगती है। लेकिन जब तक औरंगज़ेब रहता है तब तक अंग्रेज़ी की उतनी हिम्मत नहीं होती है, इसके बाद हुगली में खदेड़ने के बाद, कि दोबारा वो शर उठा सके। तब औरंगज़ेब की मृत्यु जब 1707 में हो जाती है उसके बाद वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें घुसने लगते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 8 नंबर प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, यहाँ से बहुत सारा चीज़ें हम लोग देखेंगे, बार बार पूछा जाता है ना। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था, है ना, कर्नाटक युद्ध का कहते हैं कौन सा तात्कालिक कारण था, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। पूछता है निम्नलिखित से कौन सा, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण पूछता है कि तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, अधिग्रहण ही क्या होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण हो जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध से प्रश्न पूछे जाते हैं, कब हुआ, क्यों हुआ, है ना, उसका डेट भी पूछा जाता है, कौन से संधि के तहत तो समाप्त भी होता है, ये भी पूछा जाता है। अच्छा चलिए हम लोग चर्चा ही कर लेते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें, है ना, प्रथम, इसको आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें, है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1700, है ना, 46 से लेकर के 1748 तक होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से लेकर के 1748 तक होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, और इस यह जो युद्ध है, यह युद्ध जो होता है वह अंग्रेज, एक अंग्रेज कैप्टन है, है ना, एक अंग्रेज कैप्टन है जिनका नाम है कैप्टन बर्नेट, है ना, यह अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में होता है, और ये कैप्टन बर्नेट जो है फ्रांसीसी जहाज़ों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, जिसके वजह से यह जो युद्ध है क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, यह युद्ध क्या है, प्रारंभ हो जाता है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में होता है, है ना, और इसी समय एक अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेने की वजह से यह प्रथम युद्ध हो जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो 1740 ईस्वी में, है ना, एक संधि है जिसको हम लोग एक्स, है ना, जिसको हम लोग एक्सला सापेल संधि कहते हैं जिसके तहत यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में
जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो गया, है ना। पूछा जाता है कब 1740 में होता है, एक्सला सापिल का संधि होता है यहाँ पे, और इसी संधि के तहत यह युद्ध विराम हो जाता है, है ना। पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किनके किनके बीच में हुआ, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में होता है, है ना। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में यह युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा भी देख लें, एक रिवीजन के तौर पे बहुत बढ़िया रहेगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए, है ना, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 54 तक होता है, है ना। 1749 से लेकर के 1754 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, और इसका कारण अगर हम लोग देखेंगे, है ना, कारण देखेंगे तो कर्नाटक के नवाबी पद के लिए, है ना, पद के लिए संघर्ष हो जाता है। कर्नाटक के नवाबी पद के लिए संघर्ष हो जाता है, है ना। नवाबी पद के लिए क्या होता है, संघर्ष हो जाता है। पूछा जा सकता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या है, है ना। अगर हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण के बारे में देखें तो यही है, कर्नाटक के नवाबी पद के लिए संघर्ष हो जाता है, यही मुख्य कारण है इसका, द्वितीय का, है ना। और ये 1749 से लेकर के 54 तक यह युद्ध हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो हो जाता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से लेकर के 63 तक हुआ था, है ना। 1757 से लेकर के 1763 तक हुआ था, और इसका कारण भी देख लीजिए। इसका जो कारण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने ये सोचा कि हम चंद्रनगर पर अधिकार कर लेंगे, है ना। चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर ही यह तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाता है, चंद्रनगर पर अधिकार के लिए, है ना। चंद्रनगर पर अधिकार के लिए ही, अधिकार के लिए ही दोनों लोग लड़ जाते हैं। और ये अगर हम लोग देखें तो 1760 ईस्वी में एक वांडीवास का युद्ध होता है, जो बार बार बीपीसी पूछता है, है ना। 1707 में वांडीवास का, है ना, वांडीवास का युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजी, है ना, जिसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना, जिसमें फ्रांसीसी जो सेना है वो लड़ जाती है, और इसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार होता है, और अंग्रेजी जो सेना है, अंग्रेजी जो सरकार है, यहाँ पे विजयी हो जाती है, है ना, विजयी हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जब वांडीवास का युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजी सेनानायक कौन था, तो अंग्रेजी सेनानायक यहाँ पे आयरकुट है, है ना, यहाँ पे आयरकुट है, ठीक है। और फ्रांसीसी सेना की अगर बात करें, उसका नाम रहता है लाली, है ना, लाली नाम रहता है, जो पूछा जाता है आपसे। और इसके बाद ही, यानी कि आप देख सकते हैं कि वांडीवास के युद्ध के बाद जब फ्रांसीसी का पतन हो जाता है, जब हार जाते हैं, तब यहीं से प्रारंभ हो जाता है उनके मतलब पतन का कारण यहीं हो जाता है। इसके बाद से पूर्ण रूप से उनका, यानी कि विनाश जो है वो समाप्त हो जाता है, विनाश कहे तो विनाश हो जाता है, है ना। ये वांडीवास का युद्ध ही है जहाँ से फ्रांसीसी का पतन प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल वही है, है ना, वही सवाल है जो आपसे पूछा गया था। कहता है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, है ना, किसके खिलाफ लड़ा गया। तो आपको पता होगा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह हारे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, है ना, इसका आंसर क्या है, ए हो जाता है। चलिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ डिटेल्स में हम यहाँ पे बताएंगे आपको। कहता है कि वर्ष .. लिखा हुआ में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे, है ना। 10 नंबर सवाल है,
तो ये देखिए मंगलुरु की जो संधि है 1784 ईस्वी में हुआ था, है ना। मंगलुरु की जो संधि है वह 1784 ईस्वी में होता है, है ना। 1784 ईस्वी में होता है। एक बार और देखिए प्रश्न कहता है कि वर्ष कब, है ना, कब टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ये 1784 का, है ना, संधि हो जाता है, 1784 में होता है। देखिए हम लोग यहाँ पे चार आंगल मैसूर युद्ध एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध की बात करें, है ना, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, है ना, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध की बात करें हम लोग, मैसूर युद्ध, तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर के, है ना, 1769 तक हुआ था। यह जो है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर के 1769 तक हुआ, और 69 में एक संधि होती है, 1769 में एक संधि होती है जिसको हम लोग मद्रास की संधि कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग मद्रास की संधि कहते हैं। और ये मद्रास की जो संधि है दो लोगों के मध्य में होता है, है ना, दो लोगों के मध्य में होता है। एक हो जाता है हैदर अली, है ना, हैदर अली, और दूसरा है वो हो जाता है अंग्रेज़ों के मध्य में होता है, है ना, दूसरा अंग्रेज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे मद्रास की जो संधि है हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य में होता है, हालांकि यहाँ पे हैदर अली जो है वो विजित हो जाता है। इस समय जो गवर्नर जनरल है प्रथम आंगल मैसूर के समय में, उसका नाम है लॉर्ड वेरेलेस्ट, है ना, उसका नाम है लॉर्ड वेरेलेस्ट, पूछा जाता है वेरेलेस्ट, है ना, वेरेलेस्ट हो जाता है, पूछा जाता है, यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, है ना। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा हो जाएगा, है ना, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध देखते हैं हम लोग, यहीं से संबंधित प्रश्न है, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, है ना। तो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 84 के मध्य में हुआ था। द्वितीय आंगल मैसूर जो है 1780 से लेकर के 84 में हुआ, और 1784 में ही यहाँ पे मंगलोर की संधि होती है, है ना, मंगलोर की संधि होती है 1784 में। 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है यहीं पे, है ना, हैदर अली की मृत्यु हो जाता है इसी समय में, ठीक है। इसी समय गवर्नर जनरल जो है वारन हेस्टिंग्स होता है, इसी समय वारन हेस्टिंग्स जो है ना, वारन हेस्टिंग्स जो है वह गवर्नर जनरल होता है। और 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व जो है उनके पुत्र टीपू सुल्तान करते हैं, और यही वजह होता है कि मंगलोर की संधि में हस्ताक्षर टीपू सुल्तान 1784 में करता है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और भी हम लोग संधि देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हम लोग देखते हैं। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, है ना। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध जो है 1790 से लेकर के 92 तक हुआ था, 1790 से लेकर के 92 तक हुआ था, और 1792 में श्री रंग पट्टनम की संधि हुई थी, है ना। 1792 में यहाँ पे देखें श्री रंग पट्टनम की, है ना, पट्टनम की संधि हुआ था यहाँ पे, श्री रंग पट्टनम की संधि। और यह श्री रंग पट्टनम की जो संधि हुआ उसमें टीपू सुल्तान होते हैं और अंग्रेज़ों के मध्य में यह संधि हुई थी, है ना, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य में यह संधि हुआ था, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध। उसके बाद और यहाँ पे इस समय तृतीय आंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल पूछा जाता है अक्सर, इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, है ना, इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाते हैं गवर्नर जनरल, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे गवर्नर जनरल हैं। चलिए अंतिम हम लोग देखेंगे इसका, है ना, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध देखते हैं, है ना, आंगल मैसूर युद्ध। देखिए जितना हम करा रहे हैं इससे अगल बगल से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यह होता है 1799 में।
यह जो है युद्ध 1799 में होता है और इसी समय टीपू सुल्तान की है ना, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और इसी समय अंग्रेज़ जो है जीत जाते हैं। इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड है ना वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के समय में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध होता है। इस तरीके से एक रिवाइज के तौर पे और बहुत सारे फैक्ट जो एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं उसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया, सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि अभी मायने रखता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बढ़ जाए है ना, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनेगा तभी जा कर के आप कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है बार बार रिवाइज करिए, एक ही किताबों को बार बार पढ़िए, तब देखिए आपका रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस सिलसिला को लगातार जारी रखेंगे और जैसे आपका डिमांड होता है काफ़ी लंबा किया जाएगा है ना, तब तक हम लोग इसको और भी आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।